नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स लाइव में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइनटीन ऑफ अप्रैल की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सेशन की बात करें एज यूजल स्टार्ट करेंगे लास्ट सेशन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रहे थे उन पर बेस सवाल मतलब स्टार्टिंग में हम एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे उसके बाद बढ़ेंगे यहां पर आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और आज मेरे दोस्त इंडेक्स भी है बहुत सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अलावा ध्यान बढ़ेंगे अपने स्टैटिक सेक्शन की तरफ स्टैटिक को भी हमने यहां पर टू पार्ट्स में वेफरकेट किया है स्टेट ऑफ द डे स्टेट ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और देन फिर बढ़ेंगे अपने वो चंद सवाल जो एमसीक्यूज रहते हैं स्टैटिक के उनकी तरफ तरफ तो मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यारा सलाम यहां पर गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों फटाफट से लिंक को कॉपी करिए और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि मैक्सिम स्टूडेंट की रीच पहुंच जाए इस करंट अफेयर सेशन की तरफ अब बढ़ते हैं यहां पर पहले सवाल की तरफ लेकिन मेरे दोस्त पहले सवाल से पहले यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जितने भी दोस्त इकोनॉमिक्स की क्लास चाहते थे मेरे से और इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस उन सभी के लिए मैं बता देता हूं कि वीडियो गुरु यहां पर लॉन्च किया जा चुका है वीडियो गुरु के प्राइस रखे गए मात्र ट्रिपल नाइन रुपीज और इसकी वैलिडिटी है वन ईयर की यहां पर मेरी सारी क्लासेस आपकी कह सकते हैं इकोनॉमी की अवेलेबल कराई गई तो फैंड प्लीज जाइए माई शॉप डॉट महिंद्राज डॉट ओ पे और इसे परचेस कर लीजिए और आज से ही देखना स्टार्ट करिए कि बजट क्या होता है इन्फ्लेशन क्या होता है बहुत सारी चीजें मॉनिटरी पॉलिसी एंड एवरीथिंग बढ़ते हैं आज की तरफ और फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ पहला सवाल क्या है पहला सवाल यहां पर यह है कौन सा शहर अठारहवी एशियाई बिलियर्ड्स और ट्वेंटी बीसवी अंडर ट्वेंटी स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा तो यहां से देखिए सत्ताईस अप्रैल से लेकर तीन मई तक चंडीगढ़ मेरे दोस्त तो पैक हो गया है अब तीन इवेंट यहां पर हो रहे हैं पहला तो यहां पर आपको दिख गया होगा एटीनथ एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इसके अलावा अंडर ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी वन बीसवीं अंडर ट्वेंटी वन एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और तीसरा इवेंट लिख लीजिएगा थर्ड लेडीज एशियन स्नूकर चैंपियनशिप ये तीनों ही इवेंट मेरे दोस्त चंडीगढ़ में हो रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह है कि एलन गार्सिया हैज अवे रिसेंटली ही वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अच कंट्री एलन गार्सिया का भी हाल ही में निधन हो गया और वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे इनके अगर नॉर्मल बात करते रिश्वत की वजह से इनको पुलिस पकड़ने आ रही थी पुलिस इनके पास पहुंचने वाली थी और उससे पहले इन्होंने खुद को शूट कर लिया और ये थे राष्ट्रपति पेरू के पेरू की कैपिटल लीमा है यहां पर कैपिटल लीमा है और करेंसी यहां सोल चलती है स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेटिस लवा करेंसी यूरो ब्रेटिस लवा करेंसी यूरो एंड पोलैंड की कैपिटल वॉरसो करेंसी जिलोटी जिलोटी एंड पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन और करेंसी यहां पर यूरो चलती है

किस देश पर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्रो लीग प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है छोटा सा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मार्क करिएगा जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जिसको हम एफ कहते हैं उसने यहां पर पाकिस्तान पर बैन लगा पाकिस्तान पर कह सकते हैं कि एक तरीके से फाइन इंपोज किया है और मेरे दोस्त रीजन क्या रहा है पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है उन्होंने कह दिया कि हम अपनी नेशनल टीम को नहीं भेजेंगे मतलब कि इन्होंने अपनी नेशनल टीम को अगर मैं बात करता हूं तो भेजा नहीं था प्रो लीग में इस वजह से यहां पर इसके ऊपर बैन लगाया गया आई होप गाइस क्लियर होगा पाकिस्तान में एक जगह है हिंदू हेरिट हिंदू अगर टेम्पल की बात करते हैं उसका नाम पंज तीरथ है और इसको मेरे दोस्त हाल ही में नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और पंज तीरथ आपका पेशावर में स्थित है पंज तीरथ कहां पर पेशावर में पाकिस्तान ने भी हाल ही में एक बॉन्ड भी लॉन्च किया इसका नाम है पांडा बॉन्ड और ये पांडा बॉन्ड चाइना की मार्केट से चाइना की जो कैपिटल मार्केट है यहां से पैसा उठाने के लिए लॉन्च किया गया है आई होप सो ये भी क्लियर होगा नेक्स्ट किस दिन को हम प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं विच डेड एज दी वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर आंसर बनता है 18th ऑफ अप्रैल को 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस के रूप में या यूं कहें वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं देखिए सिंपल सी बात करते हैं तो दो ईयर इंपॉर्टेंट बनते थ्री जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट है उसने यहां पर 1982 से इसको शुरू किया था या यूं कहते हैं कि 1982 18 अप्रैल 1982 को ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाना इन्होंने शुरू किया और यूनेस्को के द्वारा अप्रूवल दी गई थी उन्नीस से तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने कब अप्रूव इसे किया था तो यूनेस्को ने अप्रूव किया था नाइनटीन में इस साल की जो थीम रही वो इंपॉर्टेंट मार्क करनी है ग्रामीण परिदृश्य ग्रामीण परिदृश्य इस वर्ष की थीम रही जिसको कि हिंदी में हम रूरल लैंडस्केप कहते हैं भैया इंग्लिश भी याद रखनी है रटके चलिएगा और हिंदी भी याद रखनी जैसे आपको रट जाए वैसे रटिएगा नेक्स्ट रावण वन किस देश का पहला उपग्रह है रावन वन इज अटेलाइट ऑफ विच कंट्री फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री कल ही मैंने डिस्कस किया था कि नासा ने विगिनिया से यहां पर सैटेलाइट को छोड़ा है श्रीलंका की पहली सैटेलाइट को और इसका नाम है रावण वन इंपॉर्टेंट करना है रावण वन इजेलाइट ऑफ श्रीलंका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम है रावण वन इज फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ श्रीलंका श्रीलंका की कैपिटल है, तो है श्री जयवर्धने कोटे श्री जयवर्धने कोटे यहां की राजधानी है नेक्स्ट किस शहर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू हुई है इन विच सिटी

अब देखिएगा 2018 की बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना में रहा था 2019 की बात करें तो ये जापान में हो रहा है और 2020 की बात कर लेते तो मेरे दोस्त यहां पर आंसर बनता है सऊदी अरब सऊदी अरब इसे होस्ट करेगा 2020 में तो याद रखना है सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद वहां पर इसे आयोजित किया जाएगा 2021 में रहेगा इटली में और 2022 में मेरे दोस्त मेरा प्यारा भारत इसे होस्ट करेगा मतलब इंडिया इसे होस्ट करेगा तो मैंने आपको सारे साल दे दिए हैं ओवरऑल मैं आपको यहां पर एडिशन से भी बता देता हूं

नेपाल के पहले उपग्रह का नाम क्या है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया मतलब श्रीलंका की भी पहली सैटेलाइट है और यह नेपाल की भी यहां पर पहली सैटेलाइट है तो मतलब बैक टू बैक दो सैटेलाइट हमें याद रखनी है वॉट इज द नेम ऑफ दी नेपाल फर्स्ट सेटेलाइट विच हैजीन सक्सेसफुली लॉन्च इन टू स्पेस फ्रॉम विर्गी इन द यूनाइटेड स्टेट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर थ्री इसका नाम है नेपाली सेट वन नेपाली सेट वन इस सैटेलाइट सैट का नाम है नेपाल की कैपिटल रही काठमांडू नेपाल की कैपिटल क्या रही सर काठमांडू और करेंसी यहां पर रूपी चलती है और इसके अलावा याद रखना है विद्या देवी भंडारी यहां की प्रेसिडेंट है केपी ओली साहब की बात करें प्राइम मिनिस्टर है अभी नेपाल ने हाल ही में सौ रुपए से ऊपर की जो इंडियन करेंसी है उसको बैन कर दिया सौ रुपए से ऊपर की जो मुद्रा है उसको अपने यहां पर बैन कर दिया इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम सूर्य किरण है कान में सिर्फ शब्द गूंजने चाहिए जो मैं इंटरलिंक कर रहा हूं बस मेरे दोस्त कान में रट लीजिए एक तरीके से कानों में ये शब्द आने चाहिए नेपाल मतलब सारी चीजें जो मैं एक तरीके से डिस्कस करता चला जा रहा हूं आपके ऑटोमेटिक क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट किस शहर में चौथी रेजिलियंट इट इज नॉट रिसाइलेंट इज इट इज रेजिलियंट सिटीज एशिया प्रशांत ट्वेंटी कांग्रेस आयोजित हुई किस शहर में फोर्थ सिटीज एशिया पैसिफिक 2019 कांग्रेस आयोजित हुई थी तो अपना आंसर बनता है यह है मेरे दोस्त नई दिल्ली में रही थी इंपॉर्टेंट बात करेगा कहां पर हुई थी यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी इसे ऑर्गेनाइज किया गया है आई सी एल ई आई के द्वारा जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल counsel for local local environmental initiative international council for local environmental initiative आपके लिए होमवर्क रहेगा इसका हेडक्वार्टर क्या है कल मैं बताया था फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है बढ़ते हैं आज के सेशन की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ पहली ही न्यूज़ यहां पर अपॉइंटमेंट की है आप इसे डयूज बैंक भी पढ़ते हैं इसे हम डाइचे बैंक भी पढ़ते हैं हिंदी में इन्होंने क्या किया है इस बैंक ने कौशिक सपारिया को कौशिक सपारिया को अभी हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है इंडिया के लिए डूज बैंक बैंक ने कौशिक सपारिया को भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया अपने काम की चीज क्या है वो इंपॉर्टेंट सिर्फ एक लाइन में पूछा जाएगा हु सीओ ऑ ऑफ ड्यूज बैंक फॉर इंडिया आंसर बनता है कौशिक सपारिया अपार्ट फ्रॉम वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना नेक्स्ट इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वरुणा और ये कहां पर होगी गोवा कोस्ट में होगी इंडियन फ्रांस विल होल्ड लार्जेस्ट एवर नवाल एक्सरसाइज वरुणा ऑफ गोवा कोस्ट भारत और फ्रांस गोवा तट पर अब तक के सबसे बड़े अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास वरुणा का आयोजन करेंगे

फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है सी एन ई एस एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है करेंसी यूरो है इमेनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है और यहां की जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम एडवर्ड फिलिप है एडवर्ड फिलिप यहां के प्राइम मिनिस्टर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करना है इस वाली न्यूज को इंडिया हैजबीन रैंक्ड वन फोर्टी इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को 2019 में भारत को 140वां स्थान दिया गया है अब मेरे हिसाब से जो एग्जाम का सवाल बनता है वो ये बनता है कि इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग क्या है आंसर बन गया एक स्थान वन रैंक है दूसरा सवाल इस रैंकिंग में टॉप प्लेस पर कौन बना हुआ है मतलब कि इसे टॉप किसने किया है तो आंसर बनता है इट इज बाय दी नॉर्वे नॉर्वे के द्वारा इसे टॉप किया गया था तीसरा सवाल

एनुअल रिपोर्टर्स विदाउट वॉर्डर्स एनालिसिस ये मेरे दोस्त रिपोर्टर्स विदाउट वॉर्डर्स के द्वारा इसे इशू किया गया तो यहां से चार सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला सवाल इसे रिलीज किसने किया रिपोर्टर्स विदाउट वॉर्डर्स के द्वारा इसे रिलीज किया गया दूसरा सवाल इंडिया की रैंकिंग क्या है इंडिया की रैंकिंग एक रही है

यहां पर भी मोस्ट टेंट है और फर्स्ट वुमेन वर्ड भी यूज करूंगा आगे जब इसको मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा समझना न्यूज को रॉयल सोसाइटी है यूके की वो यहां पर ऑनरेडी फेलोशिप देती है और ऑनरेडी फेलोशिप यहां पर बहुत सारे भारतीयों को दी गई उसमें से एक नाम है यहां पर साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन यूसुफ हामिद साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन यूसुफ हामिद हैज बीन अवार्डेड एन ऑनरेडी फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी वैज्ञानिक और व्यापारी यूसुफ हामिद को वैज्ञानिक और व्यापारी यूसुफ हामिद को रॉयल सोसाइटी की मानद फेलोशिप या मानद कह सकते हैं उपाधि से सम्मानित किया गया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस न्यूज को इस न्यूज में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो देखना ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गगनदीप कांग गगनदीप कांग फर्स्ट इंडियन वूमी फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बी इलेक्टेड रॉयल सोसाइटी फेलो मतलब कि पहली महिला बनी है

स्टार्टिंग करते हैं यहां से चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला सिप्ला के चेयरमैन जो कि पहले पॉइंट पहले ही पेज पे देखे थे उनको सम्मानित किया गया इनका नाम है यूसुफ हमिद इज़ा पद्म भूषण अवार्ड मेरे दो पद्म भूषण से भी ने सम्मानित किया जा चुका है एंड इज नोन फॉर एफर्ट टू प्रोड्यूस लो कॉस्ट ड्रग टू ट्रीट डायबिटीज कैंसर एंड अदर डिजीज इतनी सारी बातें हमें नहीं करनी इन्होंने क्या कैसे करते है? अपने काम की चीज बनती है सबसे पहले यूसुफ हामिद को इसके लिए चुना गया इसके अलावा गगनदीप कंग को इसके लिए चुना गया गुरदयाल बेसरा को मंजुल भार्गव को एंड अक्षय वेंकटेश और अनंत पारे इन सभी को यहां पर चुना गया रॉयल सोसाइटी की बात करते हैं तो एक ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है विश्व में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है वेंकट रमन रामाकृष्णन और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है ये इंपॉर्टेंट मार्क करना हेडक्वार्टर इसका यूके के लंदन में स्थित है ये पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस एग्जाम के लिए बनते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेवेंथ चाइना

चाइना इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फेयर की बात करें तो इसका एडिशन सेवन है और ये ये कहां पर शुरू हुआ है संघाई में शुरू हुआ है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहां पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत कहा गया है दे विल ऑफर टू व्हीलर इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर अक्रॉस इंडिया एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत में अपने ग्राहकों को

पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं तो पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मेरे दोस्त हंड्रेड करोड़ रुपीज किया आई होप क्लियर होगा पेमेंट बैंक का मतलब भी आपके यहां पर क्लियर होगा नेक्स्ट वाला बाग जलियावाला बाग की बात करते हैं तो मेरे दोस्त उस पर एक पंजाबी पोएम है क्लासिकल क्लासिक पंजाबी पोएम जिसका नाम है खूनी बैसा इस खूनी बैसाखी को लिखा गया था एक पर्सन नोवलिस्ट या एक, एक पोइट नानक सिंह के द्वारा और इसी का कह सकते हैं इंग्लिश वर्जन रिलीज किया गया है अबू धाबी में अब इसी को न्यूज फॉर्म में जरा डिस्कस करते हैं बुक कंटेनिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हंड्रेड ईयर ओल्ड क्लासिक पंजाबी पोएम अबाउट जलिया वाला बाग मसकरे बैसाखी के लिए बनता है कि कहां पर रिलीज हुई है बारे में सौ साल पुरानी क्लासिक पंजाबी कविता खूनी बैसाखी के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब अबुधाबी में जारी की गई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कहां पर जारी की गई तो मेरे दोस्त अबुधाबी में यह जारी की गई या यूं कहें यू, यू, यू ए, ए में जारी की गई तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है पोयम की बात करते हैं तो इसे ट्रांसलेट किया गया मिस्टर सूरी के द्वारा जिनके की ग्रैंडफादर फादर जिनके की ग्रैंडफादर फादर के द्वारा इसे लिखा गया था ग्रैंडफादर फादर का नाम है नानक सिंह जो कि जलियाबाग बाग कह सकते हैं सर्वाइवर थे और उन्होंने ही इसको यहां पर लिखा था आई होप सो गाइस सारी चीजें आपके एक एक करके क्लियर भी होती चल रही होंगी एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट न्यूज है यहां पर सारी तो जरा ध्यान रखिएगा एक एक चीज मैं आपको सिंपल शब्दों में डिस्कस करता हुआ यहां पर चल रहा हूं कोई डाउट हो तो आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद या वीडियो के दौरान भी कमेंट यहां पर कर सकते हैं नेक्स्ट मेरे दोस्त सोहेल अजाज खान कल एक अपॉइंटमेंट डिस्कस किया था एम्बेस का आज एक यहां पर डिस्कस करेंगे सोहेल सोहेल अजाज अजाज खान अजाज खान हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट ऑफ इंडिया टू को लेवानन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया लेवानन की बात करते हैं तो इसे मैं आपको जरा मैप से दिखा देता हूं या यूं काम करते हैं कि आपको इंडिया से चलो यहां पर लेवानन घुमाकर लेकर आता हूं मेरे दोस्त ये मेरा प्यारा भारत है और चलते हैं फटाफट से जरा लेवानन घूमकर आते हैं तो आपको यहां पर दिख जाएगा ये है लेवानन लेवानन की कैपिटल है बैरुत यहां पर कैपिटल है इसकी और करेंसी यहां पाउंड चलती है एक लाइन में याद रखना है लेवानन पाउंड क्लियर होना चाहिए डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नहीं है डाउट तो मेरे दोस्त आगे वाली न्यूज को यहां पर देखते हैं मैप से भी क्लियर होना चाहिए न्यूज क्या वो क्लियर होनी चाहिए और इसके स्टेड इफेक्ट सारे पता होने चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी थी मेरे को लगा कि नहीं यार मत रखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ी इंटरेस्टिंग है तो इसे देख लेते हैं अमेरिका की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट अब इस कैंडिडेट का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा अमेरिका की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट पायलट जेरी हैज रिसेंटली शी अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार उम्मीदवार जेरी कॉब का हाल ही में निधन हो गया वह अठासी वर्ष की थी अब इनके बारे में जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा कॉब की बात करते हैं तो 1961 में अंतरिक्ष यात्री की परीक्षा में ये पास होने के बाद उत्तीर्ण होने के बाद पहली महिला बनी थी लेकिन उन्हें कभी अंतरिक्ष यात्रा का अवसर नहीं मिला इसलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट आई होप सो क्लियर होगा हो सकता है सवाल यूं पूछ ले कि अमेरिका की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट का नाम क्या है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ तो आंसर बनता है जेरी कॉब या जेरी कॉब हैज पास डॉ रिसेंटली शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ऑफ विच कंट्री तो आंसर बनता है यह अमेरिका की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी भैया मेरे यहां तक क्लियर होना चाहिए डाउट हो तो मैं कहूंगा फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर चलिएगा ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर संयुक्त तौर पर फाइनेंसिंग के लिए एक समझौता किया है श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लोन श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुनियादी ढांचा उपकरण ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड ये वाला फैक्ट और ये वाले फैक्ट और मेरे दोस्त यहां पर इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में तो बड़ोदा और बड़ोदरा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बड़ौदा से बड़ोदरा आप टिक कर देंगे हसमुख अदिया भी हाल ही में चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के और एंड सीईओ का नाम है पी एस जय इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस सौ आठ में यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट मेरे दोस्त आज का अपना स्टेट टॉप टीम टॉप टेन न्यूज यहां पर रखी है आपके लिए आज का स्टेट है अपना यहां पर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में ये करके देखते हैं 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी स्टैब्लिश हुआ था कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है नवाबों का शहर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है राम नायक। डिस्ट्रिक्ट कुल मिलाकर 75 है डांस यहां पर फेमस डांस फॉर्म कथक है लोकसभा की सीट रही 80 राज्यसभा की सीट इकतीस हैहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है गोविंद माथुर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और बॉर्डर स्टेट की बात करते तो ये होमवर्क रहेगा मैप से आपको आज रीड करना है बॉर्डर कंट्री में आपको बता देता हूं नेपाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं ये रहा मैप जिसको कि आज आपको रीड करना है खुद से नेक्स्ट मेरे दोस्त मोस्ट पॉपुलर स्टेट है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी स्टेट में है और स्टेट की बात करें तो ये वो स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा स्टेट के या यूनियन टेरिटरीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है कुल मिलाकर नौ स्टेट पॉब्लिक यूनियन बॉर्डर है स्टेट विच दी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटीज दुधवा नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क एग्जाम में आया हुआ बहुत बार सवाल नरोमिक पावर स्टेशन भी आपका उत्तर प्रदेश में है टाइगर रिजर्व पीलीवीट टाइगर रिजर्व ये भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में ही है ये अभी हाल ही में बैंक एग्जाम में आया हुआ सवाल है और बतौर स्ट्रेटेजी एस रेलवे या एनटीपीसी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 404 रही और विधान परिषद की सीट मेरे दोस्त यहां पर 100 है so अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, का मुख्यालय कहां पर स्थित है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू ये लोकेटेड है कहां पर लोकेटेड है ये दैग नीदरलैंड में स्थित है इसी से रिलेटेड फैक्ट देखना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है हेग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है कुल मिलाकर एक देश इसके सदस्य हैं और अब्दुल काबी यूसुफ इसके प्रेसिडेंट या यू कहें इसके अध्यक्ष का नाम क्या है यह अब्दुल काबी यूसुफ नेक्स्ट व्हाट इज कैपिटल ऑफ बोसवाना देखना बहरीन की कैपिटल मनामा है करेंसी दिनार तो ये एलिमिनेट हो गया एंड बारबडोस कैपिटल ब्रिस्टाउन गया बलानस की कैपिटल है करेंसी रुबेल है ये भी एलिमिनेट हो गया बुलगेरिया की कैपिटल सोफिया है करेंसी लेव है ये भी अपना एलिमिनेट हो गया आंसर क्या बनता है की कैपिटल है और करेंसी यहां पर पूला चलती है तो अपना ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर एक बार जरा बॉक्स मेथड से और देख लेते हैं बहरीन मनामा दिनार एंड बारबरोस ब्रिस्टाउन डोलर डॉलर बेलारूस मिन्स रुबेल एंड बोसबाना कैबर पुला एंड बुल्गारिया सोफिया लेव नेक्स्ट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है देखिए काना माधव पन्ना पैंच फॉसिल सतपुड़ा वन बिहार काना बंदवगढ़ काना माधव पन्ना पैंच फॉसिल सतपुड़ा वन बिहार इसके अलावा मेरे दोस्त कूनो ये सारे के सारे आपके कहां पर है ये सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश में है इसके अलावा मुरलैंड एंड फोंगपुई की बात करें तो जहां तक है यही मिजोरम में स्थित है अपना ऑप्शन नंबर टू आंसर सही बनेगा कैबुल लम की बात करें तो जहां तक है ये मेरे दोस्त मणिपुर में स्थित है अभी बॉक्स में दर्ज और देखेंगे इतंकी नागालैंड में है भीतर गा सिमलीपाल जूलॉजिकल नेशनल पार्क यह उड़ीसा राज्य में स्थित है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू इसी को बॉक्स मेथड से देखना जरा मध्य प्रदेश की बात करें बांधवगढ़ मादा पन्ना पेंच फॉसिल सतपुड़ा वन इसके अलावा जो सेंचुरी उसे हाल ही में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है मुरलैंड फोंगपुई ये मिजोरम में रहे केबल लमजाऊ सिरोही ये आपके मणिपुर में रहे सही चल रहा हूं मैं तो इतंकी की बात करें नागालैंड में भीतर कने का सिमलीपाल नंदनगनन जूलॉजिकल की बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है नेक्स्ट कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित आंसर बनता है ऑप्शन नंबर थ्री दिबंग कमलंग ये मेरे दोस्त सारी की सारी आपके अरुणाचल प्रदेश में तो एक बार सारा मैं आपको बॉक्स से दिखा देता हूं कमलंग काने पकुई मेहाउ ये अरुणाचल प्रदेश रहा पवित्र बुराचपोली चक्रशिला लाउखोबा और गर्म पानी ये आपका असम में है कौंदिया कोरेंगा कृष्णा कोल्लेरू नैलापट्टू कम्बल कौंडा ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश रहे एंड इसके अलावा पमेना बैरमगढ़ वर्ना वपारा और गौमर्दा ये आपका छत्तीसगढ़ रहा और बिहार की बात करें तो भीमबंद कैमूर विक्रमशिला और राजगीर और कनवर कहां पर स्थित है ये मेरे दोस्त बिहार राज्य में स्थित है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन किस दिन को हम विश्व आद्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं या डे इज एज वर्ल्ड वेटलैंड आंसर बनता है दो फरवरी तेरह फरवरी की बात करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है इसके अलावा बाकी के डेज में देख लेते हैं एक बार बॉक्स मेथड से वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की बात करें ये एक मार्च रहा दो फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड रेडियो डे तेरह फरवरी को एंड आठ मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें तो ये पंद्रह मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है आई होप सो गाइज यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी यहीं पर हम सेशन को एंड करेंगे सेशन पसंद आए तो मेरे दोस्त लाइक करिएगा और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा आज माई को आपको विजिट करना है माईशॉप डॉट महिंद्राज डॉट ओ आर जी को विजिट क्यों करना है वो मैं आपको जरा बता देता हूं भाई बहुत बड़ी चीज है बच्चों के लिए जितना बेहतर हो सकता है हो उतना बेहतर हम यहां पर कर रहे हैं तो उसी को देखते हुए मेरे दोस्त यहां पर एक बेहतर अनाउंसमेंट है एक मिनट का वेट करिएगा अभी मैं आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दूंगा और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बारह बजे आज सेशन है जिसमें कि वीकली एमसीक्यू है वीकली एमसीक्यू में टॉप 50 जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा तो आज मेरे साथ जुड़ना ना भूलें आज 50 एमसीक्यू वाले सेशन में वहां पर भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे सवाल रहेंगे ओवरऑल बात करें तो यूं कहूंगा कि एक सिंपल शब्दों में आपको खुद को परखना होगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं है फिफ्टी में से आपका स्कोर फोर्टी नाइन रहता है फोर्टी एट रहता है फोर्टी सेवन रहता है फोर्टी सिक्स रहता है इसके अलावा मेरे दोस्त जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि जो ऑल इन वन ऑल इन वन जो हमारा स्पीड टेस्ट कार्ड है जो ट्रिपल नाइन जिसमें टेस्ट दिए गए हैं मेरे दोस्त दो साल की वैलिडिटी के साथ एक साल की वैलिडिटी के साथ नहीं दो साल की वैलिडिटी के साथ एक साल वाला ट्रिपल नाइन में मिलता था अब दो साल वाला ट्रिपल नाइन में मिला जो आपका कहना होता है पांच सौ रुपए कर दीजिए पांच सौ रुपए कर दीजिए तो ट्रिपल नाइन में, में मेरे दोस्त ये कार्ड आपको मिल रहा है अब एक इंपॉर्टेंट जो बात है सबसे ज्यादा वो ये एक दिन की सेल नहीं दो दिन की सेल नहीं तीन दिन की सेल नहीं ये एक घंटे की सेल है मात्र और एक घंटा कब स्टार्ट होगा 20 अप्रैल 2019 को 20 अप्रैल 2019 को बारह बजे से लेकर एक बजे तक बारह बजे से लेके एक बजे तक यह सेल खुलेगी और मेरे दोस्त ये जो विंडो ओपन होगी बारह से लेकर एक तक 20 अप्रैल 2019 को जितना फायदा खुद उठाएंगे उतना बेहतर रहेगा और जितने आपके दोस्त उठा सकते उतना बेहतर तो जितना शेयर कर सकते उतना धड़ल्ले से इसको शेयर करिएगा आई होप सो so, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एक बार माइकॉप डॉट महिंद्रास विजिट करिए वहां तक सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया